वेलकम टू माई चैनल, माई होप चैनल निधि सिंह में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि तहरी कैसे बनाते हैं। तहरी सबको पसंद होती है, अगर ये पौष्टिक तरीके से बनाई जाए तो इसकी बात ही क्या है। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए चावल, हरी मटर, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और न्यूट्रीला। इससे तहरी और भी पौष्टिक बन जाएगी। और मसालों में हल्दी, मिर्चा, पिसी धनिया और नमक, जीरा। तो चलिए हम बनाते हैं तहरी। सबसे पहले हम एक कुकर में तेल गरम करेंगे। जब तेल पूरी तरीके से गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा जैसे ही हमारा हो जाए, जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जीरे का, ये आप देख सकते हैं, हमें जीरे को एकदम नहीं जलाना है, बस ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। देखिए, प्याज हमने इसमें डाल दिया। फ्रेंड्स, ये तहरी बहुत ही टेस्टी तो होगी, साथ में बहुत ही पौष्टिक होगी, क्योंकि इसमें हमने न्यूट्रीला ऐड किया है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद हम इसमें न्यूट्रीला डाल देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो जो इसका सोंधापन है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, हमने इसमें न्यूट्रीला डाल दिया और साथ में टमाटर भी ऐड कर दिया, क्योंकि टमाटर को गलाना है और न्यूट्रीला के साथ में भुन जाएगा। और अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को हम भून लेंगे, क्योंकि जब शिमला मिर्च भुन जाएगा तो उसकी जो कच्चेपन वाला स्वाद है वो नहीं आएगा, और भुनी हुई न्यूट्रीला भुना हुआ शिमला मिर्च बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो जब हम ये भून लेते हैं तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इन सभी सामग्री को हमने अच्छी तरह से भून लिया, और भून जाने के बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर हमने ऐड कर दिया। जिस हिसाब से आपकी सामग्री हो उसी हिसाब से हल्दी पाउडर ऐड करना है, क्योंकि हल्दी पहले डालते हैं, क्योंकि हल्दी में कच्चापन ज़्यादा आता है, तो इसलिए उसको पहले डाल दिया। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स आप अपनी हिसाब से डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हो। ये देखिए, और इन सब मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कटे हुए आलू ऐड कर दें, क्योंकि आलू बच्चों को बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से तहरी बनाएंगे इसमें न्यूट्रीला ऐड करके, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट तो होगी, साथ में बहुत ही हेल्दी होगी, क्योंकि न्यूट्रीला में यानी कि सोयाबीन की ये बड़ी है, तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन विटामिन होता है, जितना कि नॉनवेज में भी नहीं होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसको ज़रूर ऐड किया करें, और बच्चों को भी ये खूब खिलाया करें। तो ये देखिए, हमने इसमें आलू ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तो अब हम इसमें चावल और मटर साथ में ऐड कर देंगे। ये देखिए, मेरा तो अभी से देखिए मुंह में पानी आ रहा है, बट आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और भून जाने के बाद में अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जिस हिसाब से आप गीली या जितनी मुलायम या जितनी खिले हुए दाने आप चाहते हैं, उस हिसाब से पानी ऐड करें। देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाएं। मैक्सिमम तो तहरी सबको पता ही होती है, लेकिन न्यूट्रीला आप ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, नमक हम पानी डालने के बाद ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी तरह से अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारी तहरी, हमारी सब्ज़ी जो भी है वो इतनी होगी। तो लगभग हमको नमक बाद में ही डालना चाहिए। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। बस अब हमारी तहरी में बस सीटी आना बाकी है, और उसके बाद
तहरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम कुकर बंद कर देते हैं और सीटी आने तक वेट करते हैं। और ये देखिए 10 मिनट बाद तहरी एकदम खिली खिली तैयार है। आप देख सकते हैं इसके दाने कितने खिले खिले हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। खुशबू तो मैं ही इस समय ले सकती हूँ, बट आप लोग बनाइए और हमें बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक